हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज मैं एक आपके सामने एक चैलेंज लेकर आया हूँ, द नो आर्मर एंड नो हेलमेट चैलेंज। उसमें हमें ना तो एक आर्मर मिलेगा पहनने को, ना तो हमें कोई हेलमेट। हेलमेट और आर्मर हमें सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इस चैलेंज में अफसोस है कि वो मुझे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आज एक बोझा जीतूँ इस गेम में, इस चैलेंज में भी। और दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मैच। दोस्तों, ये नया अपडेट बहुत अच्छा है। इस अपडेट में बहुत सारी नई नई गाड़ियाँ आई हैं, जैसे एक मॉन्स्टर ट्रक है जो सप्लाई ड्रॉप से गिरता है। फिर थोड़ा इन्होंने ग्राफिक्स बदले हैं, और फिर इन्होंने थोड़ी अपनी आपकी जो मैप है उसे बढ़ा दिया है। तो ये जो नया अपडेट है बहुत अच्छा अपडेट आया है। आइए दोस्तों, हमारा मैच स्टार्ट हो। तो दोस्तों, मैं एक और बार गिव अवे कर रहा हूँ। जो पहला गिव अवे था उसमें राहुल चंचलानी जीत गए। वो चंडीगढ़ से थे और उनकी एज 12 साल थी। तो दोस्तों, एक और मैं गिव अवे कर रहा हूँ, जिस 500 जेम्स का, जिसमें हम आपको खेल आप जेम्स से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, नई नई स्किन्स खरीद सकते हैं। जैसे कि जो लेटेस्ट स्किन है वो है पलोमा, वो खरीद सकते हैं आप। कंग्रेचुलेशन राहुल चंचलानी फ्रॉम चंडीगढ़। तो दोस्तों, हम बस लैंडिंग होने वाले हैं कुछ ही सेकंड में। यहाँ पे एक फैम पड़ी है और एक वेस्ट। अरे सॉरी दोस्तों, वैसे हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि चैलेंज के खिलाफ है। सॉरी दोस्तों, मैं भूल गया था। क्या लूट है इस घर में, कितना सारा SMG एमो, ग्रेनेड। तो दोस्तों, अभी हमारे पास अच्छी लूट है, एक फार्म और एक VSS, एक स्कार है। और लेकिन उससे पहले हमें बैकपैक चाहिए। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में भी डाल सकते हैं कि मैं और वीडियोस कौन सी डालूं, कौन से चैलेंजेस, वो सब आप डाल सकते हैं। दोस्तों, अब एक और कार है, हमें दोस्तों एक मेडकिट मिले हैं। दोस्तों, अभी सबसे ज़रूरी है हमारा बैकपैक। ऐसे हम ले नहीं सकते हैं। दोस्तों, अभी हमें सबसे ज़्यादा सामने एक आदमी सामने है। दोस्तों, हमने उसे मार दिया है, हमारा फर्स्ट किल। उसने कुछ ही शॉट्स मारे मुझे, जिससे कि मेरी इतनी कम लाइफ हो गई, कम हेल्थ भी कह सकते हैं। दोस्तों, अभी हमें यहाँ पे एक SKS पड़ी है, हम फैम की जगह SKS लेंगे। सभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें आमो की है, तो हमने आमो ले लिया है। हमें स्कोप भी चाहिए, लेकिन हमें स्कोप अभी चाहिए नहीं। यस, हमें बैकपैक मिल गया दोस्तों, अब हम कुछ भी ले सकते हैं। हमें स्कोप ले लिया, लेकिन हमें स्कोप की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि दोनों ही फोर एंडोस्कोप है। मेडकिट भी ले लेते हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स बैठ के अपनी हेल्थ फुल करेंगे, फिर हम अब सेफ जोन भी अपेयर होगा जो हम सेफ जोन के अंदर नहीं हैं। तो दोस्तों अभी हम एक मशरूम ले रहे हैं। दोस्तों हम अभी बहुत अच्छी पोजीशन में हैं क्योंकि हमारे पास लूट भी बहुत अच्छी है और हमारे पास एमो बस थोड़ी सी कमी है एमो की। तो दोस्तों बस हम ही पहुँचने वाले हैं अभी सेफ जोन के अंदर। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लग रहा है कि मैं फ्री फायर की वीडियोज़ ही डाल रहा हूँ, पबजी की वीडियोज़ डाल रहा हूँ। जैसे वाइंस टू वॉच ने मुझे कमेंट किया कि असली लोग सिर्फ पबजी खेलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री फायर भी बहुत अच्छी गेम है। माना कि पबजी बहुत अच्छी गेम है इससे, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होती है ना दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मुझे पबजी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पबजी भी बहुत अच्छा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं पबजी की भी वीडियोज डालूँ। दोस्तों हम टॉप 25 में आ चुके हैं, हमें मज़न मिला है। दोस्तों अभी हमें एक सेफ जगह पे रहना होगा, एक क्लोज प्लेस पे। तो दोस्तों ये हमें घर में पहुंच चुके हैं। हम सही समय पे आए, सामने से कोई गाड़ी लेके आ रहा है। बच गया दोस्तों, वो हमारे हाथों से निकल गया, लेकिन वो फिर से आएगा क्योंकि उसे पता है कि कोई मुझे गोली मार रहा है। वो गाड़ी से बाहर निकल गया दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ओह नो, हम डेंजर जोन में दोस्तों, हमें पक्का से यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ओह नो, वी आर इन बिग डेंजर दोस्तों। बस हम निकल ही गए हैं दोस्तों वहाँ से। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं मेरे ब्लास्ट हो रहे हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों। हमें थोड़ा SMG आमो चाहिए था, वो मिल गया है हमें। शायद यहाँ पे कोई है। दोस्तों कुछ ग्लिच आ रहा है अभी मेरे फ़ोन में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों। अगर आपको बुरा लग रहा है कि मैं इस घर में छुपा हुआ हूँ, मैं छुपूंगा नहीं इस बार, इस बार मैं पक्का से बिना डरे खेलूँगा। लेकिन अभी के लिए हम यहीं पे हैं क्योंकि सामने हमारे फायरिंग हो रही है, लेकिन हम उन्हें स्पॉट नहीं कर सकते।
मुझे शायद वो दिखे लेकिन नहीं, वो एक बैकपैक है। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों मैं अभी एक मिनट में आ रहा हूँ। मुझे प्यास लगी थी इसलिए मैंने पानी पी लिया। दोस्तों अब हमें यहाँ से निकलना होगा कि हम ज़्यादा देर तक अंदर, मुझे रहना पसंद नहीं है। इसका नाम रेड में क्यों लिखा रहा था, आई डोंट नो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी मेरे घर पे, के सामने वाले घर में सोसाइटी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है दोस्तों। वहाँ पे एक आदमी है, यूएवी रडार से हमें बहुत फ़ायदा रहता है। शायद वो हमारे पास आ रहा है, लेकिन उससे पहले कि वो, यहाँ पे तो दो दो गाड़ियाँ हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पीछे ही है वो। ये जिसका नाम रेड में लिखा रहा है, यहाँ पे कोई फायरिंग कर रहा है। कि मैं उसे देख नहीं पा रहा, तो अभी हम अच्छी पोजीशन में हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ना तो हेलमेट है, ना ही एक कोई हमारा यहाँ से। मुझे फ़ायदा ये है कि मुझे सिर्फ सामने का एक ही डोर है, कोई अगर तो सामने से आए तो आराम से हम उसे ले सकते हैं। दोस्तों हम अभी टॉप 11, टॉप 10 में हैं। शायद दोस्तों हमारे किल्स इतने सारे नहीं हुए क्योंकि सामने हमारे फायरिंग चल रही है और अभी हम उसे लेने जाएंगे। उसने किसी का हेडशॉट लिया है और वो मुझे दिख गया है। तो दोस्तों वो गाड़ी में ही बैठ रहा है और वो अभी हमारे पास ही आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और अगर तो मैं उसकी तरफ जाता तो वो मुझे उड़ा सकता था। मेरे पीछे भी एक गाड़ी है, कोई ज़रूर हमारे पीछे है। दोस्तों फिर से गाड़ी में बैठ गया है, फिर से उतर गया है, फिर से बैठ गया है। फायरिंग चल रही है मेरे पीछे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों। दोस्तों तीन तीन पोजीशन मुझे दिख रही है।
शायद वो दो लोग टीमिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को मार नहीं रहे। दोस्तों इतना अच्छा खेल नहीं रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी से मेरा एक ही खेल हुआ है। वो शायद दोनों के पास प्लेयर्स टीमिंग कर रहे हैं। एक बंदा हमारे पास आ रहा है दोस्तों। कोई गाड़ी में भी बैठा है और हमारे पास आ रहा है, जस्ट हमारे साइड से गया। तो दोस्तों हमारी इतनी अच्छी पोजीशन नहीं आई, बहुत अच्छा खेला जो भी था तुम्हारा नाम, वेल प्लेड। सॉरी दोस्तों मेरी पोजीशन 7 ही आई, जैसा कि मैंने बताया कि मैं भूया नहीं जीत पाया हूँ। सॉरी दोस्तों, स्टे ट्यून फॉर माई फ्यूचर वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।